हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड कर रहा हूं फॉर सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स स्टूडेंट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स के एग्जाम दे रहे हैं लाइक लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ नया टॉपिक और एटॉमिक टॉपिक है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इस पर बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले मेरे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आई टेप पर जाके आप देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड पर काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए मैं बना चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अरेंजमेंट्स है, इन सब पे वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए आज कुछ क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन ये सबसे पहला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर कितने, आपके पास इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दो, देन ये आएगा तीन, देन ये आएगा चार, देन ये आएगा पाँच, देन ये आएगा आपके पास छः, देन ये आएगा आपके पास सात, है ना? सेवन ट्राइंगल तो यहाँ बन गया आपके पास, राइट? स्टूडेंट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने ट्राइंगल और बन रहे हैं। देखो आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल और ये बन रहा है ना, सेवन तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दैट इज दिस ट्राइंगल, दिस इज एट, राइट? एंड दिस इज ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये कौन सा है, नाइन, राइट? स्टूडेंट, ये ट्राइंगल और बन रहा है हमारे पास, देखो ये वाला, दो दो ट्राइंगल वाला ना, दिस इज नोन एज अ टेंथ ट्राइंगल। स्टूडेंट, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला हमारे पास बन रहा है 11 नंबर का ट्राइंगल। और स्टूडेंट, ये जो पूरा ट्राइंगल है ये आपके पास बन रहा है 12। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो टोटल ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ए बी सी डी आर द फोर कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन ए सर्कल सच दैट द कॉर्ड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 10। आपको दे रखा ए बी, मतलब चार पॉइंट इस यहाँ पे ऐसे हैं इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो जिनकी लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा, पर डी ए जो है वो 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखो, ये तीन जो है ये तो 10 है, पर ये जो बड़ी साइज है वो क्या दे रखी, 20 दे रखी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर इज, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे। मैं यहाँ ए ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ बी, और आपको इन दोनों की लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं सी, यहाँ पे भी आपको दे रखा है ये 10 है स्टूडेंट, ये भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एज स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है सी डी, है ना? सी डी भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर आप यहाँ ले लीजिए इसको, ये हमारे पास सी डी आ जाएगा, क्लियर है? ये हमारे पास क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर, राइट? अब स्टूडेंट, आपके पास ये बोला जा रहा है कि डी ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है ना? तो अगर हम यहाँ से यहाँ सीधा मिलाएंगे तो 20 सेंटीमीटर नहीं आएगा, बिकॉज 20 सेंटीमीटर इज द हाईएस्ट लेंथ, राइट? तो ये डायग्राम थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे कर सकते हैं ये हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या चेंज हम यहाँ पे करें। स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके सीरीज को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नाम को चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है ना? यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको ए ले लेता हूँ, ये हमारे पास बी है, यस। देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, आप इसको मिला लीजिए ना, ये हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है? अब आपके मन में सवाल उठेगा, तो ये जो 20 मीटर होगा 100% ये इसका क्या होगा? देखो, किसी भी सर्कल के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ड जो होती है वो क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, राइट? तो आप देख रहे हैं इसका क्या 20 जो है इसका डायमीटर। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या गारंटी 20 इसका डायमीटर होगा ना, सर और भी तो बड़ा हो सकता है। तो अपन एग्जाम्पल चेक कर लेते कि यार सही है कि नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सेंटर पकड़ लेते हैं, हम जानते हैं इसका सेंटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट, है ना? तो ऑब्वियसली ये इसका सेंटर होगा, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। आपसे पूछ ही रहा कि व्हाट इज द रेडियस, तो आंसर तो ये आ गया, पर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये आंसर क्यों आ रहा है। स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे इसको सेंटर को यहाँ पे मिलाते हैं, जैसे मैं इसको मिलाता हूँ, तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये भी क्या आएगा, 10 आएगा, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, राइट, ये भी इसकी रेडियस है, क्लियर है, है ना? ये भी इसकी रेडियस, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी आपको 10 दे रखा। तो सुनिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट? और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसी टाइप से आप इसको भी चेक करोगे, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, और ये भी 10 है, तो ये तीनों क्या हो रहे हैं हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये भी हमारे पास 60 डिग्री है, और ये भी हमारे पास 60 डिग्री है, हम जानते हैं टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना? तो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, और ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। स्टूडेंट, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो ट्राइंगल के एंगल को ऐड करें, मान लीजिए ये ए, ये बी है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, और ये सी एंगल है, तो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी, इन दोनों का जो सम होता है ना, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ प्लेन, सॉरी साइड की बात कर रहे हैं, बट एंगल की बात नहीं कर रहा, साइड की बात कर रहा है, तो साइड की बात कर लेते हैं ना, दो साइड जो होती है हमारे पास, है ना, लाइक हम बात करें ए बी
प्लस बी सी है ना, इसमें दो साइड की जो लेंथ होती है हमेशा थर्ड वाली साइड से बड़ी होती है, ये रूल है, चाहे कोई भी दो साइड पकड़ लो, पर ये बोला लेस देन विच इज नॉट राइट, क्लियर है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ए प्लेन ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसकी एक साइड का जो स्क्वायर होता है, लाइक मैं इसको बोलूं परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है ना, तो दो साइड का स्क्वायर है ना तीसरी साइड के बराबर होता है. पर स्टूडेंट ये स्पेसिफिक किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, पर यहां तो बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ प्लेन ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड. ये कोई स्पेसिफिक एंगल की ट्रायंगल की बात नहीं कर रही है, सभी ट्रायंगल की बात कर रहा है, विच इज नॉट राइट, दिस इज ट्रू ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, तो ये गलत है. अब बोल रहा है टू इंटरनल एंगल्स ऑफ स्केलेंस प्लेन ट्रायंगल कैन बी इक्वल. स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर नहीं होती, जिसकी तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर नहीं होती है, मतलब हम बात करें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, एंड हमारे पास जो तीनों साइड होती है लाइक ए बी प्लस बी सी मतलब सी ए, मतलब ये तीनों साइड भी बराबर नहीं होनी चाहिए, राइट. तो आपसे क्या पूछा, द टू इंटरनल एंगल ऑफ स्केलेन प्लेन ट्रायंगल कैन बी इक्वल, विच इज नॉट राइट, क्योंकि तीनों एंगल यहाँ पे बराबर नहीं होते, सो थर्ड ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग, राइट. अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन, द सम ऑफ क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, मैं इसको हटा देता हूँ, रिमेनिंग को हटा देता कि आपको समझ में आए. स्टूडेंट फोर्थ देखिए, द सम ऑफ इंटरनल एंगल इन रेडियन, स्टूडेंट रेडियन में जो इंटरनल एंगल होता है वो कितना होता है, एक्सओ सी, दैट इज पाई, एंड रेडियन में हम उसको पाई बोलते हैं, राइट, ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस. स्टूडेंट सर्कमफेरेंस कितनी होती है ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस कितनी होती है स्टूडेंट, टू पाई आर है ना, उसकी परिधि है ना, डिवाइडेड बाय रेशियो बोला है ना, रेशियो बोला तो डिवाइड करेंगे, ऑफ इट्स डायमीटर, स्टूडेंट का डायमीटर कितना होता है, टू आर होता है, तो टू आर से टू आर कैंसिल करेंगे तो बिल्कुल पाई, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन द ट्रेपेज़ियम एबीसीडी व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीपी. स्टूडेंट आपको सीपी की लेंथ पूछी जा रही है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो सीपी इसकी लेंथ पूछी जा रही है, स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसकी लेंथ दे रही है 16, ये दे रखा 10 और ये दे रखा 5, राइट. हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ये 10 है तो इसके सामने वाला जो होगा वो भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा है ना, मतलब ये जो क्यू पी है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, हम जानते हैं टोटल 16 है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये 3 होगा और ये भी क्या होगा 3 होगा, क्लियर है ना, ट्रेपेज़ियम है तो इधर जितना होगा 3 होगा है ना, 3 होगा. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 है और ये 5 है और ये हम जानते हैं 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या दे रखा आपको गिवन है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट. अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका हाइपोटेनियस है, स्टूडेंट ये इसका बेस है, तो परपेंडिकुलर की यहाँ पे इसका बेस मान लीजिए, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, राइट. हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 25 का स्क्वायर माइनस 9, स्टूडेंट इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन पी इज इक्वल टू कितना आएगा 4, तो स्टूडेंट ये जो हाइट आएगी हमारे पास कितनी आएगी 4 आएगी, राइट. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएसआर नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ. स्टूडेंट ये जो ई है ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, राइट, मिड पॉइंट है ना ऑफ डी एफ, एंड एफ जी एच आई इज अ स्क्वायर. स्टूडेंट ये जो एफ जी एच आई ये क्या स्क्वायर दे रखा आपको, क्लियर है, इन इक्विलेटर ट्राइंगल. स्टूडेंट ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ई आई एफ जो है ये इक्विलेटर, मतलब जो लेंथ ये है वो लेंथ ये है वो ये भी बराबर इक्विलेटर ट्राइंगल है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एफ जी एच आई. स्टूडेंट आपको इसका एफ जी एच आई का एरिया निकाला, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. स्टूडेंट ये ए दे रखा है आपको, ये भी ए दे रखा है, तो हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा 100%, चूंकि आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, क्लियर है. अब ये 90 डिग्री स्टूडेंट ये ए ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, तो डी एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, राइट, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ए स्क्वायर, सो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2 ए स्क्वायर, राइट, तो डी एफ इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा रूट 2 ए. स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा रूट 2 ए आएगा, राइट, तो डी एफ इज इक्वल टू रूट ए रूट ए. अब अपने को ई एफ निकालना है ना, आपको क्या निकालना ई एफ, ताकि हम क्या करें हमें ये स्क्वायर की साइड मिल जाए ना, राइट, हमें स्क्वायर की साइड मिल जाए, स्क्वायर की साइड कैसे मिल जाएगी, जैसे अगर मुझे ई एफ मिल गया और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो जो ई एफ होगा वो इसकी लेंथ होगी और ये साइड की जो लेंथ होगी ये हमारे स्क्वायर की साइड की आ जाएगी, तो हमारा एरिया आ जाएगा, राइट. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे डी एफ है तो हम क्या निकालेंगे ई एफ, ई एफ क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका डी एफ का, तो डी एफ अपॉन 2, स्टूडेंट इसको आधा कर देंगे तो ये आएगा रूट 2 अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2, और हम जानते हैं ये कितना आएगा ए बाई रूट 2. अब स्टूडेंट आपसे ये बोला गया है कि ये जो ई एफ आई जो है ये आपके पास क्या इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो स्टूडेंट ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास आ रही है ए बाई रूट 2,
तो स्टूडेंट ये वाली लेंथ भी a बाई रूट टू आएगी, तो स्टूडेंट ये भी लेंथ a बाई रूट टू आ जाएगी हमारे पास, क्लियर, क्योंकि ये ये देखा EIF, ये क्या है हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो तीनों की साइड सेम हो जाएगी स्टूडेंट, ए बाई रूट टू आ गया, और अगर हमारे किसी स्क्वायर की साइड ए बाई रूट टू आ गया तो उसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, राइट, तो एरिया ऑफ क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखे स्क्वायर, एफ जी एच आई इज इक्वल टू कितना होगा साइड स्क्वायर, तो ए बाई रूट टू इंटू ए बाई रूट टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर बाय टू आएगा, सो ए स्क्वायर बाय टू इज द राइट आंसर, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इंटरनल एंगल ए बी सी ऑफ ए प्लेन स्केलन ट्राइंगल, स्टूडेंट यहाँ पे वही अगेन स्केलन ट्राइंगल बोला है, मतलब तीनों एंगल जो है वो उनके बराबर नहीं है, तो हम जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की जो हमारे पास एंगल होता है उन एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है जो 11th क्लास में आपको और 10th क्लास का कंसेप्ट भी यहाँ यूज होगा, ये हम जानते हैं तीनों एंगल का सम होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करते हैं हम ए प्लस बी ले लेते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पाई माइनस सी, राइट स्टूडेंट, दोनों तरफ मैं 10 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ 10, स्टूडेंट यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास 10 पाई माइनस सी, राइट, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा 10 ए प्लस बी, स्टूडेंट का फार्मूला होता है क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी माइनस 10 ए 10 बी, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी, और स्टूडेंट जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम, यहाँ ए आता है, ये एस आता है, ये टी आता है, ये सी आता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, याद है नहीं, ये थ्री पाई बाई टू है, क्लियर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पाई माइनस थीटा है ना, पाई माइनस सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पर टेन तो नेगेटिव होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का टेन सी हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, है ना, सेकंड ऑप्शन 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 सी, नहीं गलत है, माइनस 10 सी आ रहा है यहाँ पे, अगर इसको अलग भी करेंगे तो माइनस का 10 सी आ जाएगा, राइट, तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, है ना, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी 1 के बराबर आ रहा है विच इज नॉट राइट, क्योंकि जैसे ही आप इसको इधर लोगे तो वो होने वाला नहीं स्टूडेंट, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे देखो 10 ए प्लस 10 बी, राइट, इज इक्वल टू ये कितना आएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 10 सी और ये इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये उधर जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 1 माइनस 10 ए 10 बी, क्लियर है स्टूडेंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से माइनस 10 सी मल्टीप्लाई और माइनस 10 सी उधर ले आएंगे हम, राइट, तो कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 10 सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आया स्टूडेंट यहाँ पे 10 ए 10 बी एंड 10 सी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब ऑप्शन क्या होंगे रॉन्ग होंगे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगाने के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, सो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिया था, आउट ऑफ 6 अनबायस कॉइन 5 आर टोज इंडिपेंडेंटली एंड दे आर ऑल रिजल्ट इन द हेड्स, सभी रिजल्ट हेड आए थे, इफ 6 इज इंडिपेंडेंटली टोस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज, स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी कॉइन को कितनी बार उछालो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है ना इंडिपेंडेंटली, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है द टू इंटीजर आर पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 पॉजिटिव, स्टूडेंट फर्स्ट 15 पॉजिटिव में से दो ले रहे हैं, तो हमारे पास टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 15 सी टू, राइट, द इंटीजर विदाउट रिप्लेसमेंट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 20, आपको फर्स्ट 15 नंबर 1 से 15 लेने हैं उनका जो सम है वो 20 आना चाहिए, तो सम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास आएगा 5 15 5 15, है ना, 15 से 1 से 15 के बीच में आ रहा है और सम 20 आ रहा है, एक ऑप्शन हो सकता है, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 4 11, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 3 12, चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है सुनिए यहाँ पे 2 13, एंड एक और ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास 5 12, सॉरी मैं 4 16, यहाँ पे गलत आ रहा है, गलत लिया ऑप्शन, एक और वॉइस चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक हो रही, क्योंकि 20 आना चाहिए तो गलत हो रहा है यहाँ पे, मैं वापस ले लेता हूँ, इसमें क्या आएगा 5 15, है ना, इसमें ये आएगा 6 14, क्लियर है, देखो जोड़ने पर 20 आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे आएगा 7 13, राइट, इसमें ये आएगा आपके पास 8 12, इसमें ये आएगा 9 11, है ना,
अब यहाँ 10-10 ही आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, राइट। और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको यहाँ पे मतलब 10-10 को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जो 10 अगर एक बार गया तो रिपीट नहीं करेगा, राइट। सो विदाउट रिप्लेसमेंट में यहाँ पे पांच ऑप्शन बनेंगे, तो 1, 2, 3, 5, तो 5 हमारे पास फेवरेबल केस हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, 5/15 सीटों को कैसे लिखते हैं, 15×14 डिवाइडेड बाई 1×2, राइट। इसमें ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इसको ऊपर पहुंचा दो, ऐसे कैंसिल कर दो, बेटर 7 हो जाएगा, है ना, और ये 5 को इससे कैंसिल कर दो 3, तो स्टूडेंट आएगा 1/21 इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन ये आपको कल सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सो ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, वही मैंने अभी बताया था, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर पॉइंट है, जहाँ पर ए बी 5 दे रखा है, बी सी 12 दे रखा है, ए सी 15 दे रखा है, ए डी 7 दे रखा है, देन द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ सी डी, आपसे पूछा जा रहा है कि सी डी का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन 2 पूछा जा रहा है, कंसिडर स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना, फिट द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इन साइड इट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इन साइड द सर्कल, देन वॉट इज द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट सर्कल स्क्वायर इज, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको मुझे कल कमेंट बॉक्स में देना है। और स्टूडेंट बने रहिए आप मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है कि आप लोग वहाँ पे लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, और जो मैं आंसर पूछता हूँ उसके आंसर्स आप प्रॉपर नहीं देते। सो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, वो ये कि लास्ट में अगर आप थोड़ा सा इसको ढंग से देखेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी, मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ। और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट में स्टूडेंट मेरी प्लेलिस्ट है, ये मेरे CSIR NET के एप्टीट्यूड की सीरीज़ है, जहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट मेरे जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ है, ये दे रहा मेरे यूट्यूब चैनल, स्टूडेंट मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट मेरा मैथ से रिलेटेड चैनल, अगर आप मैथमेटिक्स CSIR NET या फिजिक्स के साथ अगर आपको फिजिक्स की मैथमेटिक्स देखनी, तो आप यहाँ पर मेरे इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।